गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. हमारे जो पिछला जो टॉपिक था वो था एनर्जी मैनेजमेंट. वो हमने कंप्लीट कर लिया. आज का जो नया टॉपिक है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वर्क सिंप्लीफिकेशन, यानी कार्य सरलीकरण. ऐसे तो बोल देते हैं कि भी कार्य सरलीकरण उसको क्या है, जैसे भी चाहे वैसे ही कर ले. ऐसा नहीं है. आपने देखा होगा, हम सभी जानते हैं कि काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमारे क्या है, समय एवं शक्ति दोनों ही क्या होती हैं, व्यय होती हैं. किसी काम को करने में कितनी शक्ति एवं समय लगेगा, यह है कार्य करने की विधि और क्या है, कार्य करने वाले व्यक्ति की कुशाग्र बुद्धि, उसकी कुशलता, उसकी निपुणता और उसके तरीके पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है. आज की व्यस्त एवं भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ समय एवं शक्ति का क्या है, बहुत अधिक महत्व हो गया है. आप लोग देखते हैं कि क्या है, बोलते हैं कि भी मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है. और जब काम करने के लिए व्यक्ति दिन भर काम करता है, शाम के टाइम घर पे आता है तो क्या होता है, थकान महसूस होती है, थकावट हो भी जाती है. तो वो क्या है, उसके पास क्या है, समय और शक्ति दोनों की क्या है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. तो क्या है, इसे हमें बचा कर रखना आवश्यक है. वही काम को कुशलता एवं निपुणतापूर्वक निपटाना भी जरूरी होता है. इसलिए कम शक्ति एवं समय व्यय किए अधिक कार्य निष्पादन के लिए क्या है, काम करने की विधि में सुधार लाना आवश्यक है. परंतु यह तभी संभव है जब व्यक्ति को कार्य सरलीकरण का पूरा पूरा ज्ञान होता है कि कार्य सरलीकरण क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, किसी भी काम को किस तरीके से करना चाहिए, वो उसका होना जरूरी है, उसको उसकी नॉलेज होनी जरूरी है. किसी काम को संपन्न करने में व्यय होने वाले समय एवं शक्ति की मात्रा व्यक्ति के हाथ व शरीर की गति पर निर्भर करता है. कोई भी जितना अधिक गति करता है उतना ही अधिक समय एवं क्या होती है, शक्ति व्यय होती है. किसी की शक्ति भी इसका क्या है, किसी काम को करने में यदि समय की बचत की जाती है तो इसका अर्थ यह होता है कि शक्ति की क्या है, शक्ति की भी बचत की गई है. परंतु इसके लिए क्या है, काम की गति समान रहे, यानी इसके लिए क्या है, हमें काम की गति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए. तो कार्य सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों का ही मिश्रित रूप में व्यवस्थापन करना होता है. इन दोनों को ही क्या है, लेकर चलना पड़ता है. दोनों के ही द्वारा क्या है, शक्ति और क्या है, काम समय दोनों को ही क्या है, मिश्रित करके काम को किया जाता है. यानी समय की भी, समय बिना समय के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते और बिना शक्ति के भी नहीं कर सकते. मान लो हमारे पास समय तो बहुत है लेकिन मैं बीमार हूँ तो मैं कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, शक्ति नहीं है उस काम करने के लिए. और दूसरी तरफ अगर मेरे पास मान लो मेरे पास एनर्जी तो बहुत है, मेरा काम करने का मन भी करता है कि मुझे काम करना है बहुत सारा, लेकिन मेरे पास क्या है, समय की नहीं है, समय कम है मेरे पास, तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊँगी. तो इसलिए क्या है, समय और शक्ति दोनों का मिश्रित रूप से प्रयोग करके हम क्या करते हैं, वर्क को सिंप्लीफाई करते हैं, वर्क का सरलीकरण करते हैं. तो कहने का तात्पर्य, कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कि काम को सरल तरीके से संपन्न करना. कहने का तात्पर्य कि कार्य को इस तरीके से करना ताकि कम से कम समय एवं शक्ति व्यय में वो कार्य अधिक काम को हम क्या कर सके, संपन्न कर सके. यानी कम समय में हम क्या है, उस काम को अधिक कर सके और हमारी मेहनत भी कम लगे. हम यही चाहते हैं कि कम मेहनत लगे कोई भी काम करने को. हम कोई भी हमें हैवी काम दे देते, भारी कार्य दे देते तो हम क्या करते हैं, उसको पहले ही देख के क्या हो जाती है, शक्ति हमारी ख़त्म हो जाती है कि नहीं, मेरे से नहीं होगा ये काम. ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, साथ ही काम करने की गुणवत्ता में कमी नहीं आए. दूसरे शब्दों में, न्यूनतम समय एवं शक्ति को व्यय करके अधिकतम कार्य को संपादित करने की विधि का प्रयोग करना ही कार्य सरलीकरण कहलाएगा. यानी आपके अगर दो नंबर में डेफिनेशन आती है कि कार्य सरलीकरण क्या होता है तो आप क्या कहेंगे उसमें, हम कहेंगे न्यूनतम समय एवं शक्ति को व्यय करके अधिकतम कार्य को संपादित करने की विधि का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण कहलाता है. यानी काम को सरल तरीके से करना. अब क्या है, निकिल एवं डोर्सी ने क्या दी है, डेफिनेशंस दी हैं. वो डेफिनेशन, दो तीन डेफिनेशंस हैं, वो बता देती हूँ आपकी कि आपको क्या है, कोई भी डेफिनेशन अगर आप मान लो आपके कार्य वर्क सिंप्लीफिकेशन का आता है तो उसमें आपको एक या दो
दो नहीं तो एक डेफिनेशन तो किसी भी राइटर की आपको देनी ही चाहिए। तो इसमें सबसे पहले निकेल एम डॉर्सी है, उन्होंने क्या कहा है, कार्य को सबसे आसान सरल एवं शीघ्र विधि की सचेतता पूर्वक खोज करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। यानी एक बार फिर से बताती हूँ, निकेल एवं डॉर्सी ने क्या कहा है, कार्य को सबसे आसान सरल एवं शीघ्र विधि की सचेतता पूर्वक खोज करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। ग्रोस एवं क्रैंडल ने क्या कहा है, कार्य सरलीकरण की उन्होंने क्या परिभाषा दी है, कार्य सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को ही मिश्रित कर दिया जाता है। निर्धारित समय एवं शक्ति की मात्रा में अधिक काम करना अथवा कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए कम से कम क्या है, शक्ति एवं समय का उपयोग करना ही क्या है, कार्य सरलीकरण कहलाता है। यानी ग्रोस एवं क्रैंडल ने क्या कहा है, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, कार्य सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को ही मिश्रित कर दिया जाता है। निर्धारित समय एवं शक्ति मात्रा में अधिक काम करना अथवा कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए कम से कम शक्ति एवं समय का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, कार्य सरलीकरण कहलाता है। फिर क्या है, राजमल पी देवदास ने भी डेफिनेशन दी है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए कम मात्रा में समय एवं शक्ति उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए कम मात्रा में समय एवं शक्ति उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। कांति पांडे ने अपनी पुस्तक जो ग्रह प्रबंध है उन्होंने इसमें क्या डेफिनेशन दी है, उनकी भी एक बुक है ग्रह प्रबंध की, तो उन्होंने उसमें एक डेफिनेशन दी है, एक निर्धारित समय और शक्ति की मात्रा के अंतर्गत अधिक कार्य संपादित करना या कार्य की निश्चित मात्रा को संपन्न करने के लिए समय शक्ति या दोनों की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया को कार्य सरलीकरण कहते हैं। ग्रहण या घरेलू क्रियाओं को कम शक्ति एवं कम समय किए पूरा कर सकती हैं तथा बचे हुए समय एवं शक्ति का उपयोग अन्य कार्य को करने में लगा सकती हैं, परंतु इसके लिए उन्हें कार्य के प्रति रुचि जागृत करनी होगी तथा अपने सूझबूझ एवं अनुभव का अधिकतम उपयोग करना होगा। कार्य को शीघ्रता सरलता एवं सुगमता से संपन्न करने में कई चीज़ों का योगदान होता है, जो कौन कौन सी हैं, कार्य को सुगमता पर करने के लिए क्या है, तीन चीज़ों की आवश्यकता है, इनमें हम कार्य विधि का, कार्य क्षेत्र का और क्या है इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा कार्यकर्ता का, तीन क्षेत्र हो गए इसमें, कार्य की विधि, कार्य का क्षेत्र और क्या है कार्य करने वाला व्यक्ति अथवा या कार्यकर्ता वर्कर है जो भी, ठीक है, वर्क मेथड, वर्कर और वर्क एरिया, ये तीन चीज़ें हैं। वर्क एरिया कौन सा होता है, जहाँ पर हम काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क मेथड की, कार्य विधि की बात करते हैं। काम करते समय गृहिणी को हमेशा याद रखना चाहिए कि काम को किस तरीके से किया जाता है। हम कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी घर में कोई भी कार्य करते हैं, तो आपके माइंड में होता है कि मुझे कैसे काम करना है। आप कोई भी नया काम जब करते हैं तो आपको उसको पहले सोचते हैं, तो ये काम कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, कितनी शक्ति लगेगी, कितना टाइम लगेगा इसके लिए, और जो हम ऑलरेडी करते रहते हैं हमारे लिए नया काम नहीं होता, हम उसको फटाफट क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो सेट होता कि इसको ऐसे ही करना है। तो क्या है, काम को किस तरीके से किया जाए ताकि कम से कम समय एवं शक्ति व्यय हो। उदाहरण के लिए जैसे कि मसाला है, दाल है अथवा धनिया पत्ती की चटनी पीसने हेतु सील पाट्टी का उपयोग न करके मिक्सर में पीसे जाएं तो कम शक्ति एवं समय का उपयोग होता है। साबुन से रगड़ रगड़ कर वस्त्र धोने की बजाय अगर हम वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो हमें कम समय लगता है, उनको रगड़ना भी पड़े तो अगर उनको हम टाइम से पहले अगर भिगो कर रख देते हैं तो उसमें भी क्या है कम समय लगता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन विधियों को अपना कर क्या है कम समय और शक्ति की कम समय व शक्ति में क्या है बचत कर सकते हैं।
कार्य को सरल तरीके से तभी किया जा सकता है जब शरीर की मांसपेशियां एवं मस्तिष्क क्या है कार्य में जुटे हों, यानी हमारे अगर हम स्वस्थ हैं और क्या है हमारी सोचने की शक्ति है तभी हम क्या है किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जब शरीर की मांसपेशियां मस्तिष्क कार्य में जुटे हों, कार्य को सरलतम तरीके से करने हेतु शरीर की मांसपेशियों में बदलाव लाना भी जरूरी है। तो क्या है मास जिसका हमने पहले आपको बताया था शक्ति, जो एनर्जी मैनेजमेंट की थी तो हमने बताया था कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं शक्ति व्यवस्थापन कर सकते हैं। कार्य की हल्की प्रकृति को ध्यान में रखते कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कार्य को तीन भागों में बांटा गया है। आपको बताया था कि हल्का कार्य, मध्यम कार्य और भारी कार्य बताया था कि ये कार्य की क्या है प्रकृति है कि कौन किस प्रकार का कार्य है, हल्का है, मध्यम है या भारी कार्य है। फिर आता है हमारा वर्कर की बात आती है। पहला हमने किया इसमें किया हमने कार्य वर्क मेथड की बात की, फिर दूसरा हम करते वर्कर की बात करते हैं और तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा वर्क एरिया की बात करते हैं। कार्य करने वाला व्यक्ति अर्थात कार्यकर्ता क्या है कार्य को समय पर सरलता एवं सुगमता पूर्वक करने हेतु कार्यकर्ता को काम करने की उचित विधि एवं शरीर संचालन की विधि का समुचित ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसके साथ ही उसे कार्य में रुचि एवं कार्य के प्रति लगाव भी होना आवश्यक है। यदि कार्यकर्ता को कार्य के प्रति क्या है रुचि एवं लगाव नहीं होगा तो वह काम को क्या करेगा बोझ समझेगा, यानी भार समझकर क्या है जैसे तैसे संपन्न करना चाहेगा। होता है कई बार आपने किया भी है ऐसे कि हमारा मन नहीं होता तो हम उसको क्या करते हैं जैसे तैसे करके उसको निपटा देते कि हाँ हैंगओवर ये काम हो गया, तो वो क्या है उसके लिए हमारे क्या है रुचि और लगाव होना भी अति आवश्यक है। साथ ही साथ सही समय पर ठीक ढंग से संपन्न नहीं हो सकेगा। रुचिकर काम करने से जल्दी थकान नहीं होती तथा कार्य सरलता से क्या हो जाता है संपन्न हो जाता है। तो हाँ इसलिए क्या है कार्यकर्ता के समक्ष लक्ष्य अवश्य स्पष्ट होने चाहिए तभी वह कार्य को ठीक ढंग से कर पाएगा। लक्ष्य एवं कार्य के जितने छोटे भाग होते हैं उतनी ही सरलता से काम क्या हो जाता है संपन्न हो जाता है। एक लक्ष्य काम के पूरा होने पर जो संतोष मिलता है वह दूसरे काम या लक्ष्य को जल्दी करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान, अनुभव, कौशल, प्रशिक्षण आदि का प्रयोग कर व्यक्ति सहजता एवं सुगमता से क्या है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। फिर आती है अब हमने ये बात की कि वर्कर क्या है, कैसे वो काम करेगा। अब बात करते हैं कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के निर्धारित तत्व क्या है, यानी ये इसी के अंतर्गत ही आएंगे, कार्य वर्कर के अंदर आएंगे ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है सबसे पहले कार्यकर्ता की क्रियाशीलता को सबसे पहले क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें निर्धारित होनी चाहिए प्रभाव, यानी ऐसे भी आ सकता है कि कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के निर्धारित तत्व लिखें या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कार्यकर्ता की क्या है क्रियाशीलता को कौन कौन से तत्व वो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो तत्व प्रभावित करता है वो है शरीर के अंगों की उचित मुद्रा स्थिति, यानी हमारे जब काम कर रहे हैं तो उस समय हमारी शरीर की स्थिति कैसी है, कार्य करते समय शरीर के अंगों को क्या है उचित मुद्रा स्थिति में रखना जरूरी है। इससे कम थकान होती है क्योंकि शारीरिक वजन स्थिर रहता है। शारीरिक स्थिरता बनी रहने से मांसपेशियों में अनावश्यक खिंचाव नहीं होता है। बैठने, उठने, खड़े होने, झुकने, चलने, स्टूल पर बैठने आदि क्रियाओं को करते समय सही मुद्रा स्थिति होनी चाहिए। यानी आप जैसे चारपाई पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो आपका जो बैठने का तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए। कई बार जैसे हम नीचे बैठे हैं तो नीचे झुक के बैठ जाते हैं, अगर हमें नीचे काम करना है, ज़मीन का काम है, तो उसकी ऊंचाई उसके लेवल में होनी चाहिए। बकेट हमारे सामने तो पटड़ी पाटा जो भी बोलते हैं उसके जो हम जिस पे बैठे हैं उस पर हमारे पोस्चर अगर सही होगा, मान लो कि आप कपड़े धो रहे हैं और आपको ऊंचाई झुक के आप कपड़े धो रहे हैं तो आपको क्या है ज़्यादा थकान महसूस होगी और क्या हो जाएगा शरीर में थकावट तो होगी और उससे क्या है मांसपेशियों में क्या है खिंचाव आ जाता है, दर्द हो जाता है, दर्द रहना भी शुरू हो जाता है। यानी तो इसीलिए क्या है हमारी जो मुद्रा स्थिति है वो ठीक होनी चाहिए।
उदाहरण के लिए भारी सामान उठाते या रखते समय पैरों को आगे पीछे रखना चाहिए। मान लो हम भारी सामान कुछ भी उठा रहे हैं तो एक पैर आगे एक पीछे होने से क्या है, ठीक रहता है। झुकते समय पैरों को फैलाना चाहिए आदि, ये क्या है, हमारी स्थिति ठीक होनी चाहिए। शारीरिक यांत्रिकी बॉडी मैकेनिक्स पर इस शोध से अब क्या है, अभी जो एग्जाम हुआ है कल वाले में जो होम साइंस का पेपर था उसमें ये वाला आया हुआ था, बॉडी मैकेनिक्स आया था, यानी शारीरिक यांत्रिकी का 2 नंबर में आया हुआ था कि क्या होता है। तो इसमें क्या है, यह जो हम काम करते हैं उसकी, हमारे जो बॉडी काम करती है उसको मापना कि कितना काम किया है, वो क्या कहलाता है, शारीरिक यांत्रिकी। यानी दौड़ रहे हैं तो उस समय उस चीज़ को मापना क्या कहलाता है, हमारी शारीरिक यांत्रिकी कहलाता है। तो क्या है, लगातार साधारण ऊंचाई की मेज़ पर प्रेस करने से उच्च रक्तचाप एवं उच्च हृदय गति एवं अन्य शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं। फिर क्या है, हमारा ये तो हो गया, सबसे पहले शरीर के अंगों की मुद्रा स्थिति की बात हो रही है। फिर दूसरा है हमारा गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखना, कार्य करते समय हमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र का क्या है, ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। भार को सदैव ही शरीर के साथ रखना चाहिए। मान लो आप कोई चीज़ उठा रहे हैं तो आप दूर से उसको उठाएंगे तो आपको ज़्यादा जोर आएगा, अगर आपके पास में बिल्कुल आप उसके पास में खड़े हैं तो आप देखना, नोट करके देखना ये चीज़ें कि आपको कम जोर आएगा उसके कंपैरिजन में। गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखने से पूर्व गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक बार आपको ये बता देते हैं भी क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या है, यह पृथ्वी का वह दबाव केंद्र है जो किसी भी वस्तु को हमेशा क्या है, नीचे की ओर खींचता है। हम जमीन पर क्यों खड़े हैं, किस वजह से खड़े हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमें नीचे की तरफ खींच कर रखता है, नहीं अदरवाइज हम क्या हो जाते, उड़ जाते। जैसे कि चंद्रमा पर जाते हैं तो आपने देखा होगा स्पेस में जब जाते हैं तो उसमें क्या है, उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यानी उसमें खींचने की क्षमता। अब आपने देखा होगा कि ऊपर बॉल फेंकते हैं या कुछ भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं तो वापस वो क्या आ जाती है, ज़मीन पर आ जाती है। वो किस क्या कारण है, गुरुत्वाकर्षण का कारण ही है। यही कारण क्या है, हमें भार का एहसास करवाता है। किसी भी वस्तु का जितना अधिक वजन या भार होगा वह वस्तु पृथ्वी की ओर उतनी ही अधिक क्या होती है, आकर्षित होगी। गुरुत्वाकर्षण केंद्र के विरुद्ध जाकर काम करने से अधिक शक्ति और समय लगता है। मान लो आप चीज़ों को ऊपर उठाते तो आपको वजन ज़्यादा लगता है, उसको वापस नीचे लाते हैं तो आपने देखा बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। तो क्या है, यही रीज़न होता है कि क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये होता है। यही कारण है कि वजन को जितना अधिक शरीर के पास या समीप रखा जाएगा भार उतनी ही आसानी से उठ सकेगा, साथ ही अधिक थकान भी कम महसूस होगी। उदाहरण के लिए बालक को गोद में लेने के बजाय यदि आप पीठ पर ले लेते हैं तो आप क्या है, कम भार महसूस करते हैं, क्योंकि बच्चे का वजन गुरुत्वाकर्षण के सीधे में आ जाता है। इसलिए मजदूर कुली अनाज के भरे भारी बोरों को पीठ पर लाद कर क्या है, गाड़ियों और ठेलों में भरते हैं। देखा है आपने कैसे कि आप वैसे पकड़ के नहीं ले जाते, वो कैसे करते हैं, पीठ के पर ले जाते हैं ताकि क्या है, वो भार है वो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, समीप हो जाता है, उसके सीध में आ जाता है गुरुत्वाकर्षण, तो क्या है, वो हमें भार नहीं लगता है। स्कूल जाने वाले बालकों का अपना बस्ता हाथ में या कंधे पर न लटका कर पीठ पर लगाया जाता है तो कम वजन का एहसास होता है। इसी तरह बड़े बर्तनों में सामान ले जाने के बजाय आप देखना कि हाथ में अगर आप पकड़ के ले जाते हो तो आपको ज़्यादा वजन लगता है। अगर आप उसको आप क्या करते हैं, जब कोई चीज़ आपको दूर तक ले जाने तो क्या करते हैं, यही रहता है कि हम सर पे रख ले ताकि हमें वजन कम लगेगा, कंधे पे रख लेते हैं, तो वो रीज़न यही होता है, नीचे रखने से क्या है, भार ज़्यादा लगता है। अगर आपके बॉडी के साथ में रहेगा बिल्कुल तो वो क्या है, भार कम महसूस होता है। लय में काम करना, यानी कोई भी काम कर रहे हैं हम उसको रिदम में करना चाहिए। लय में काम करने से जल्दी थकान नहीं होती। जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हैं, किचन में आप स्लैब पे काम कर रहे हैं तो आप उसी में जैसे कि जो काम कर रहे हो तो बर्तन भी साफ़ कर रहे हो, उसी स्लैब पे कर रहे हो, उसी पे कटिंग भी कर रहे हो, उस पे बर्तन साफ़ कर रहे हो या उस पे आटा लगा रहे हो, सारा काम कर रहे हो तो आपको थकान नहीं होती। लेकिन एक बार आपको कोई सामान ऊपर से उतारना है, बार बार आप ऊपर से उतार रहे हैं, नीचे से उठाना पड़ रहा है तो आपने देखा होगा उसमें आपको ज़्यादा थकावट महसूस होती है। इसलिए आजकल आपने देखी होगी जो मॉडर्न किचन है, जो
उसमें आपने देखा होगा जो स्लैब है और जो हम उसमें क्या है सारी चीज़ें हाइट के अकॉर्डिंग होती हैं कि कितनी जो गृहिणी है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग क्या है वो किचन है वो मॉडिफाई किए गए हैं हम बनाए गए हैं जो भी हैं। तो इसमें क्या है लय का अर्थ होता है एक ही क्रिया को बार बार नियमित अंतराल पर बार बार दोहराया जाना। रोटी बना रहे हैं तो बार बार हाथ जा रहा आ रहा है, अगर वो ऊंचाई पे ज़्यादा होती है नीचे ज़्यादा होती तो आपको थकान हो जाएगी, तो वो आपके लेवल में है तो आपको थकावट कम होती है। उदाहरण के लिए एक ही तरह की प्लेटों को एक साथ धोना, आपने देखा होगा कि बड़े बर्तन हम क्या करते हैं एक साथ धो लेते हैं फिर छोटे बर्तनों को धोते, तो वो एक लय होता है उसी में, एक बार छोटा धोना फिर बड़ा धोना, हम क्या करते हैं जैसे चम्मच साफ़ करने तो एक चम्मचों को चम्मच जितनी भी होती है उनको एक साइड में कर लेते हैं, उनको इकट्ठे करके साफ़ करते हैं, तो वो क्या होता है एक रिदम होता है जिसमें हम क्या एक लय होती है जिसमें हम काम करते हैं तो उसमें हमें थकावट महसूस नहीं होती है। ऐसा करने से हाथ एवं बाजुओं की गति एक ही लय में काम करती रहती है। फिर हम बात करते हैं इसमें मांसपेशियों को कुशलतापूर्वक प्रयोग कर कार्य करते समय यदि बड़ी एवं मजबूत मांसपेशियों का उपयोग अधिक किया जाए तो थकान कम होती है। वजन उठाते समय पैरों की पेशियों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि पैरों की पेशियां हाथ की पेशियों में से अधिक मजबूत एवं बड़ी होती हैं। घरेलू क्रियाओं के संपादन में उंगलियों एवं कलाइयों की पेशियों की अपेक्षा बाँह की पेशियों का उपयोग किया जाए तो थकान कम होती है। इसी तरह कमर से झुककर जमीन पर लेटकर वजन उठाया जाए तो कम शक्ति व्यय होती है। वेग का लाभ उठाना, इसमें क्या है कार्य करते समय वेग उत्पन्न होता है। वेग का सामान्य अर्थ क्या होता है लगातार गति करना। कार्य में जब बाधा अवरोध या रुकावट आती है तब कार्य शीघ्रता से संपन्न नहीं होता है तथा पुनः काम कार्य प्रारंभ करने में अधिक समय व्यय होता है। तो स्वेच्छापूर्वक हम काम करने से कम शक्ति व्यय होती है तथा थकान भी कम होती है क्योंकि स्वतः गति होने लग जाती है। हमारा इंटरेस्ट नहीं होता तो हम आलसी तरीके से करते, कभी गिर रहे हैं पड़ रहे हैं और ऐसे करके काम करते तो हमें ज़्यादा थकावट होती है। गति होने से वेग उत्पन्न होता है तथा कम ऊर्जा व्यय होती है। उदाहरण के लिए झाड़ू लगाते समय, बर्तन धोते समय, पोछा लगा देते समय हाथ स्वतः ही आगे पीछे होता रहता है जिससे गति उत्पन्न होती है और कम ऊर्जा व्यय होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति कम थके यही अधिक कार्य को संपन्न करने में महत्वपूर्ण होता है। यानी इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे जितनी हमने किया किया है, जैसे कि वर्कर के लिए क्या किया शरीर के अंगों की मुद्रा स्थिति ठीक होनी चाहिए, फिर क्या था गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान होना चाहिए और फिर क्या था लय में कार्य करना, मांसपेशियों को कुशलता प्रयोग करना, वेग का लाभ उठाना। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, इन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो क्या है हमारा जो काम करने का जो तरीका है उसमें क्या है समय भी कम लगेगा, शक्ति भी कम लगेगी और काम क्या है जल्दी भी संपन्न हो जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे जो हमारा इसमें एक कार्य है वो है वर्क प्लेस, वो हम कल करेंगे।